नमस्कार, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन में स्वागत है। रिसेंट में पुलित्जर प्राइस का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें भारत के 4 फोटोग्राफर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज के डिस्कशन में हम उन 4 फोटोग्राफर के बारे में, पुलित्जर प्राइस के बारे में और इससे पूर्व भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिसेंट में जो पुलित्जर पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया है, वह उसका 106th एडिशन है, जिसमें जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा और म्यूजिक के क्षेत्र में जो विनर हैं, उनके नाम को अनाउंस्ड किया गया है। जर्नलिज्म के फीचर फोटोग्राफी वाली जो कैटेगरी है, उसमें भारत के 4 फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी, अदनान आबदी, सना और अमित को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत में COVID-19 के दौरान जो क्राइसिस थी उसको कवर किया था। ये 4 के 4 लोग जो हैं, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से संबंधित हैं। अब हम इन जर्नलिस्ट के बारे में और उनके द्वारा क्लिक की गई इन फोटोज को देखते हैं। फर्स्ट, दानिश सिद्दीकी। इनका जन्म 1983 में हुआ था, जो इंडिया बेस्ड रॉयटर न्यूज एजेंसी है उसके चीफ फोटोग्राफर थे। फर्स्ट टाइम इन्हें जो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो रोहिंग्या रिफ्यूजी जो क्राइसिस थी उस पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंटिंग की थी उसके रिगार्डिंग हुआ था। और जो सेकेंड टाइम है, इंडिया में जो COVID-19 की क्राइसिस थी उसको कवर करते हुए इनको दिया गया। इनके द्वारा ही ये जो दोनों पिक्स आप देख रहे हैं, इन्हें क्लिक की गई हैं, जिसमें से पहली जो पिक है ये दिल्ली की है, जिनमें COVID-19 के दौरान हुई डेथ के बाद जो बॉडीज को जलाया गया था वो है। और दूसरी जो है नागा समुदाय के साधुओं की हैं, जो गंगा में स्नान करने से पूर्व मास्क को लगा रहे थे। इनकी डेथ अफगान फोर्सेस और तालिबान फोर्सेस के बीच जो क्लैश हुआ था उसको कवर करते दौरान हुआ था। नाउ अब हम बात करते हैं अदनान आबदी की। तो ये 3 बार बेसिकली इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। 2018 में रोहिंग्या रिफ्यूजी वाला जो केस था उसके रिगार्डिंग, 2020 में हांगकांग का जो प्रोटेस्ट था उसमें, और भारत में COVID-19 के दौरान जो क्राइसिस थी उसको कवर करते हुए 2022 का पुरस्कार में इन्हें नामित किया गया। जो पिक आप देख रहे हैं ये इनके द्वारा क्लिक की गई है। अब बात करते हैं सना की। तो ये कश्मीर बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने भारत में जो COVID-19 के दौरान इन्होंने भी उसी ग्रुप के साथ रह करके जो फोटो क्लिक की थी उसके आधार पर इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ अमित दावे को भी इस पुरस्कार से इसी कृत कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं पुलित्जर प्राइज की। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे कवटेड पुरस्कारों में से एक है, जिसे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, और वो भी पुलित्जर प्राइज बोर्ड के रिकमेंडेशंस पर। पुलित्जर प्राइज का जो नाम है जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया, जो कि एक काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनका जन्म 1847 में हुआ था। जब इनकी डेथ 1911 में हो गई थी, तो इनकी डेथ के 6 साल बाद जून 1917 में पहला पुलित्जर पुरस्कार अनाउंस किया गया, और तब से प्रतिवर्ष इस पुरस्कार को अनाउंस किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैटेगरीज की, जिसके अंतर्गत टोटल 22 कैटेगरी हैं, जिनमें 21 कैटेगरीज के जो विनर होते हैं उन्हें $15,000 का कैश अवार्ड एज वेल एज एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन जो जर्नलिज्म क्षेत्र में एक कैटेगरी है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी, उसमें जो है गोल्ड मेडल दिया जाता है। जो 2022 वाली पब्लिक सर्विस कैटेगरी है उसके अंतर्गत वॉशिंगटन पोस्ट को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया और उसे गोल्ड मेडल दिया गया। जो ये पब्लिक सर्विस कैटेगरी है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जाता, ये पूरे के पूरे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इट्स ऑल अबाउट पुलित्जर प्राइज एंड इट्स कैटेगरी। अब हम बात कर लेते हैं भारत के वे लोग जो इससे पूर्व इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, जिसमें पहले गोविंद बिहारी लाल हैं, जिन्हें 1937 में सम्मानित किया गया था। ये गदर पार्टी से भी बेसिकली संबंधित थे, और ये भारत के पहले नागरिक हैं या भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झंपा लहरी की बात करते हैं तो इन्हें 2000 में सम्मानित किया गया था। और सिद्धार्थ मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें बायोग्राफी के लिए 2011 में सम्मानित किया गया। विजय सेसाद्री की बात करते हैं तो पोएट्री के लिए 2014 में सम्मानित किया गया। और वहीं गीता आनंद जो हैं, कैलिफोर्निया में जो शूटिंग वाला इशू हुआ था उसको कवर करने के लिए 2015 में सम्मानित की गई थी। धन्यवाद।